Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, in last class we can discuss about one very important name reaction that is called as Itard reaction. जिन्होंने miss कर दिया, please पहले उस वीडियो को देखें और बाद में इस वीडियो को देखें ताकि तुम्हारा continuity बने रहे. Because कुछ ना कुछ उस वीडियो और इस वीडियो में एक दूसरे से related है. वहाँ पे भी हमने क्या किया था? मिथाइल बेंजीन को यूज करके हमने क्या ही बनाया था? ब्रोमाइल क्लोराइड को यूज करके. जब ब्रोमाइल क्लोराइड को हमने मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट किया तो उसने ब्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसको हाइड्रोलिसिस करके मुझे क्या मिला था, वहां पे बेंजाल्डिहाइड मिला था. तो यहां पे भी आज हम लोग वही करने वाले हैं. यहां पर हम लोग आज क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन करने वाले हैं कि मिथाइल अरीन को हम लोग आज ऑक्सीडेशन करेंगे, बट हम लोग ब्रोमाइल क्लोराइड का यूज नहीं कर रहे. यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर रहे हैं. और साथ में क्या लिए? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड 273 to 283 केल्विन. और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? आगे का प्रोडक्ट मिलेगा. तो जो लोग नए आए हैं, नया वीडियो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार इटार्ड रिएक्शन वाले वीडियो को देखेंगे तो ये रिएक्शन इजी हो जाएगा. मैं एक बार जस्ट उसको तुम्हारे लिए रिकॉल कर देता हूँ. यू जस्ट स्टे विद दिस वीडियो. तो देखो उसमें हमने क्या किया था, एक बार जस्ट उसको रिकॉल करते हैं. क्या देखा था हमने? व्हेन मिथाइल बेंजीन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड इट कैन फॉर्म वन कॉम्प्लेक्स. क्या फॉर्म हुआ था? कॉम्प्लेक्स जहां पर एक एच है. दोनों एच को रिप्लेस किसने किया था? ऑक्सीजन ने. देखो क्या कहना है, तो शॉर्ट में याद रख सकते हैं. इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पर अटैक कर दो और यह हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन को दे दो. तो क्या मिलेगा? कार्बन के पास क्या अटैच है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किस पर अटैच है? क्रोमियम. क्रोमियम के पास क्या है? OH, Cl, Cl. सिमिलरली दो मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं तो इसको भी हम लोग रिप्लेस करके ऑक्सीजन Cr, Cl, Cl, OH. तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए थे. इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब मैंने यहाँ से तोड़ दिया था तो एच ओ एच हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग. एच ओ एच यहाँ पे क्या मिला था हमको? We can obtain CH, OH, OH. Right? ये बात बड़ा निकल गया. इसको जब मैंने क्या किया था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो माइनस एच टू, तो क्या मिला था? ठीक है. देखो ये स्टूडेंट्स सब पूरा अच्छे से वीडियो के साथ मैकेनिज्म के साथ मेरे इसके पहले वाला वीडियो है एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री पे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्लेलिस्ट में जाइए. वहां पे लेक्चर नंबर 9 को अटेंड कीजिए. वो वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन रिटार्ड रिएक्शन का दिया, बिकॉज ये रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग उसको मैं फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं. अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा रीजन यहां पे नहीं. तो अगर वो रिएक्शन आता है तो इसको हम लोग कर सकते. तो अभी देखते हैं, अभी हम फोकस करते हैं हमारा इसी रिएक्शन पे. ये जस्ट तुम्हारा थोड़ा सा रिकॉल कर दिया मैंने. तो यहाँ पे क्या होता है? When methyl benzene react with acetic anhydride, now the reaction can carried out at 273 to 283 Kelvin temperature. It can form one intermediate which is called as diacetate derivative. क्या form करना है? Diacetate derivative. अब इसको याद कैसे करना है? देखो, simply क्या करना है? ये hydrogen को अभी mechanism हर बार कन्वीनियंट नहीं है कि हम लोग हर बार मैकेनिज्म पढ़ा मारे. बच्चे घबरा जाते हैं सर, हर बार मैकेनिज्म बताते रहते हैं बच्चे. तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग याद रख सकते हैं. वो तुम लोग यहाँ पे देख लो. तो क्या करना है? हाइड्रोजन को निकाल के ये ग्रुप लगा. क्या मिलेगा? दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो और ये दो टाइम ये ग्रुप लगा दो. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को? री तो है, ये कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है. अब ये हाइड्रोजन निकल के एक ग्रुप लगाएंगे तो क्या मिलेगा? O C डबल बॉन्ड O CH3. यहाँ पे क्या मिलेगा? O C डबल बॉन्ड O CH मिला. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायएसिटेट डेरिवेटिव. डायएसिटेट तो क्या होगा यहाँ पे भी? अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH आएगा. इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आएगा.
क्या मिलेगा यहां पे अपने को, रिंग मिला सी एच ओ एच ओ एच मिला, बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऐसे दिखे ऐसे बार गए ना, हमने पहले भी देखा है कि एक ही कार्बन के दो एक ग्रुप अनस्टेबल है, यहां से तुरंत क्या निकल जाएगा तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, अब यहां से बॉन्ड टूटा यहां से बॉन्ड टूटा तो इसके एक्सचेंज में क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको यहां शिफ्ट करो और यहां से OH को भगा दो, क्या मिल जाएगा यहां पे C डबल बॉन्ड OH माइनस यहां से क्या जाएगा H2। मैं क्यों अभी तुम्हारे पीछे पढ़ा था कि तुमको रिटार्ड रिएक्शन आ रहा था उसके जैसी स्टेप पे देखो, वहां पे भी क्या होता था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था, यहां पे डाइसल्फाइड ब्रेकेट फॉर्म हो रहा है उसको भी हाइड्रोलिसिस किए थे, इसको भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और वहां से वाटर निकाल कर हमने क्या बनाया थे बेंजीन लिया। तो दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेंजाल्डिहाइड हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन विद कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ, या फिर इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ब्रोमाइन क्लोराइड यूज करके भी, बट बी केयरफुल वी ऑलवेज यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, दिस CHO ग्रुप तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अपने को वहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो दिस आर द टू मेथड, इस दोनों ही मेथड में हमने क्या किया यहाँ पे कि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट्स को हमने इसमें कन्वर्ट किया है और डीआईडी ग्रुप में कन्वर्ट किया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेकंड रिएक्शन दैट इज हमने क्या किया है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल मरकरी। नाउ थर्ड मेथड पे आते हैं कैसे हम लोग बेंजाल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। डियर स्टूडेंट इस सब में क्या कॉमन है, हम लोग इस सब में क्या कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग एल्डिहाइड और एसिड कीटोन में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, फिलहाल हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड में। तो सेकंड मेथड हमने देखा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरेन बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, थर्ड मेथड में देखेंगे हम लोग हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन, ठीक है। अब उससे हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग इसके बाद उस चीज को स्टडी करते हैं। नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज By side chain chlorination of toluene. हम लोग toluene मतलब क्या होता है? We know that when benzene ring consists of methyl group, it is called as toluene. अब उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे chlorination करेंगे. Now अब यहाँ पे देखो हम लोग पहले toluene का example लेता हूँ। toluene क्या होता है? Benzene having CH3 group is called as toluene. C H H H. इसको क्या बोले हमने? toluene. तो अब टोलिन को मुझे क्लोरीनेशन करना है, इसको क्लोरीनेशन नहीं करेंगे हम लोग साइड चेन, तो यहाँ पे प्रॉपर रिएजेंट का चॉइस करना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन करने के लिए क्लोरीन यूज करेंगे, बट रिएक्शन मस्ट बी कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट दैट इज HNO। अगर ये सेम रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं CN2 मैच करना इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो यहाँ पे क्लोरीनेशन ग्रुप पे होगा, इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसलिए प्रॉपर चॉइस जरूरी है। अगर मैं वो रिएक्शन करता हूं तो यहाँ पे मिथाइल को कौन सा पैर डायरेक्टली है, एक तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन मिलेगा एक तो पैरा क्लोरो टोलुइन मिलेगा जो हमने लर्न स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं ग्रीस एसिड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज करना है HNO लाइट यूज करना है। अब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यहां पे कौन सा बॉन्ड मैकेनिज्म होगा, हियर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैन टेक प्लेस, तो यहां पे क्या होता है ये क्लोरीन को मैं से डिसोल्व कर सीएल और यहां पे क्लोरीन को ऐसे डिसोल्व कर दोनों मॉलिक्यूल में ले लिया। नाउ अब लाइट के प्रेजेंस में इसका क्या होगा होमोलाइटी क्लीवेज, ये रेडिकल रेडिकल मिलेगा, इसका होमोलाइटी क्लीवेज होगा कार्बन रेडिकल एच रेडिकल, हियर इज आल्सो अंडर होमोलाइटी क्लीवेज और यहां पे सीएल सीएल क्या होगा होमोलाइटी, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। अब क्या होगा देखो ये कार्बन है एच का रेडिकल ये क्लोरीन का रेडिकल ये मिलके क्या निकालेंगे HCl और यहां से ये मिलके क्या निकालेंगे HCl, मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आएगा क्लोरीन, क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लोग नहीं एज इट इज लिख लो। अब यहां पे क्या बचेगा CH, यहां पे क्या हो जाएगा क्लोरीन, यहां पे क्या हो जाएगा क्लोरीन, बाय प्रोडक्ट में क्या निकला टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl क्या निकल गया तुम्हारा बाय प्रोडक्ट वहां से बाहर निकल गया और इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेंजाल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं
बेंजाइल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हुआ? बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ है। तो यहां पे हमने क्या किया, टोलिन को जब हमने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO इट कैन फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड। अब ये बेंजाइल क्लोराइड जो फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो जब यहां पे क्या होगा, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा HOH, यहां पे क्या होगा HOH, यहां पे भी क्या होगा HCl बाहर जाएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा HCl, मतलब क्लोरीन को कौन रिप्लेस करेगा OH। यहां पे क्या मिलेगा CH, हियर आल्सो OH OH माइनस, यहां से क्या निकल जाएगा HCl। कितने मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ इससे यहां से भी चले गया। नाउ हमने आगे का स्टेप देखा हुआ है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या है, अनस्टेबल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये OH और H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दो, बाहर कर दो, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा C11OH एंड दैट इज नथिंग बट बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाल्डिहाइड। मैं नीचे लिख देता हूं इस चीज को, माइनस H हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा CH, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। तो दिस इज नेक्स्ट थर्ड मेथड जहां पे हमने क्या किया, अल्काइल साइड चेन को किस में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। तो दिस आर द सम मेथड बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड, पिटार रिएक्शन, फिर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऑक्सीडेशन किया, और अभी आपने क्या किया, हमने क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस रिएक्शन, राइट। हमने छोटे छोटे इसके मैकेनिज्म जैसे भी दे दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को एक बार देखो, बार बार अच्छे से तुम लोग समझ लो कि हम लोग रिएक्शन में क्या कर रहे हैं। प्लीज रट्टा मारने की कोशिश मत करो, रट्टा 10 तक ठीक था, उसके बाद अभी हम लोग रट्टाफिकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे कंसेप्चुअली जाना, बहुत पढ़ना है केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री से प्यार करो तब तुमको समझ में आएगा, बड़े आराम से प्यार से तुमको पढ़ना है इस चीज को। जितना अगर स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना, दिमाग में कुछ भी जाएगा, बहुत प्यार से बहुत आराम से केमिस्ट्री को तुमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अभी मूव करते हैं थर्ड फोर्थ मेथड, जिससे हम लोग क्या बनाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे। सो नेक्स्ट मूव ऑन द फोर्थ मेथड। सो फोर्थ मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज गटरमैन कोच फॉर्मेशन रिएक्शन। Now, ये गटरमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को सबसे पहले किया था, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गटरमैन कोच फॉर्मेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, हो सकता है तुमको दो मार्क के लिए पूछ ले। तो व्हाट हैपेंड इन गटरमैन कोच फॉर्मेशन रिएक्शन, लेट्स सी। सो इन गटरमैन कोच फॉर्मेशन, व्हेन बेंजीन, प्योर बेंजीन, यहां पे हमको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना है, हम लोग जब प्योर बेंजीन लेते हैं, when pure benzene reacts with carbon monoxide, इसके साथ react करना है, carbon monoxide के साथ react करना है, in presence of HCl, इसके presence में presence of HCl, और साथ में यहाँ पे क्या लेंगे, either we can use anhydrous aluminium chloride or CuCl, cuprous chloride as a catalyst। ये दो जो है anhydrous AlCl3 and CuCl2, it act as a catalyst। ये क्या हो रहा है, कैटलिस्ट, एंड द होल रिएक्शन कैन कैरी ऑन एट हाई प्रेशर। इस रिएक्शन को हम लोग कैसे कैरी आउट करते हैं, द रिएक्शन ऑलवेज कैरी आउट एट हाई प्रेशर। इस रिएक्शन को हम लोग को हाई प्रेशर में क्या करना है, कैरी आउट करना है। आफ्टर द रिएक्शन इट कैन फॉर्म बेंजाल्डिहाइड, मींस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय CHO ग्रुप। नाउ फॉर्माइल ग्रुप मतलब यहां पे भी ध्यान रखो, CHO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना चीज तुमको एग्जाम में यहाँ पे लिख के आना चाहिए। सो क्या एक बार फिर से रिएक्शन को ध्यान रखो, क्योंकि मेन रिएक्शन इसका स्टेटमेंट पता रहना चाहिए। तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड अनहाइड्रस AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट,
at high pressure, it can form benzaldehyde. And this reaction is called as Guterman-Puig formulation, because this reaction was first given by the scientist name is Guterman. That's why, on the honor of that scientist, the reaction is called as Guterman-Puig formulation. Now, this reaction is an example of ESR reaction, that is electrophilic substitution reaction, where hydrogen atom to produce this formyl group. This formyl group acts as an electrophile. Now, ab ye to reaction ko exam mein likhna ratta maar ke likh sakte, but what is the mechanism of Guterman-Puig formulation? ठीक है, Guterman-Puig formulation का mechanism क्या exactly, वो mechanism हमको पता रहना चाहिए. तो हम लोग next use करते हैं इसके actual mechanism क्या होता है उसके ऊपर हम लोग move करेंगे. So अगर इस reaction का हमको mechanism पढ़ना है, है ना, तो हम लोग मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, इसको रिएक्ट करने के पहले कौन रिएक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं. सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, द कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद HCl. तो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड O इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इट रिएक्टेड विद HCl. तो हमको पता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, दो क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. तो यहाँ पे HCl को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं, H प्लस और Cl माइनस, मान लो HCl रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड. अब पहले इस पे क्या आएगा, तुम्हारा कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव. इसको हम बता देते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे HCl को ऐड करना चाहूंगा तो क्लोरीन इस पे अटैक करेगा. Obviously you know that oxygen is more electronegative compared to carbon. बराबर है, तो ये Cl- इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन क्या लेगा, ऑक्सीजन क्या लेगा, यहाँ से H+ आयन को ले लेगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि मैंने एक बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ से क्या ले लेगा, H+ आयन को ले लेगा. तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या गया, क्लोरीन गया, ऑक्सीजन के पास क्या गया, हाइड्रोजन. इस तरीके से हमने क्या किया, हमने HCl को अक्रॉस सी ट्रिपल बॉन्ड में ऐड किया, हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिला. अब आगे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन के वैलेंसी चार है, एक वैलेंसी कम है. जब भी वैलेंसी कम रहता है उसकी जगह हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस साइन. और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो यार कितनी हुई थी, ज्यादा हुई, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस साइन. अब क्या होगा यहाँ पे, ये इंटर मॉलिक्यूलर ही रिएक्शन होगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन लेगा. तो ये जो OH बॉन्ड है, अगर मैं इसको हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करता हूँ, अगर मैं इस बॉन्ड को ऑक्सीजन में शिफ्ट करता हूँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन को मिलेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, इससे क्या आएगा, पॉजिटिव सी माइनस तुरंत एच प्लस को लेके क्या बना देगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या बन गया एच, यहाँ पे क्या बन गया सी. यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl रिएक्ट करके ये चीज यहाँ पे फॉर्म कर दी. आगे क्या होगा, हमने रिएक्शन में क्या डाला, अनहाइड्रस AlCl2 डाला, अनहाइड्रस AlCl3 डाला, और हम लोग CuCl, बट ये फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं. तो अगर AlCl3 का मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, AlCl यहां पे क्या लिखेंगे, Cl. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट सराउंडेड बाय एल्युमिनियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अभी किसको बकरा बनाएगा वो, तो ये जो AlCl3 है वो क्या करता है, ये CCl बॉन्ड अटैक करता है, और ये क्लोरीन विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लोरीन विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर ये कौन ले लेता है, एल्युमिनियम. और अगर ऐसा ये करता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड को यहाँ पे क्या बचेगा, H, क्योंकि क्लोरीन बॉन्ड पे लेके गया तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, Al Cl 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 माइनस. क्यों माइनस मिला, क्योंकि जो भी स्पेस इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पे नेगेटिव. नाउ दिस एक्ट एज ए बेस एंड दिस इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज वी कॉल्ड एज E+, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ, अब ये बेस के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा. सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप आगे देखते हैं क्या होगा. ये तुम्हारा बेंजीन है, फ्रेंड. अब इसके पास क्या प्रेजेंट है,
के पास क्या प्रेजेंट है यहां पे हाइड्रोजन है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है अब यहां पे क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट यहां का पाई बॉन्ड में किसी एक की तरफ शिफ्ट कर दो। मान लो मैंने इस पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट किया, मैंने इसके तरफ शिफ्ट किया तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा अभी ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज ये कब आया जब मैंने पाई बॉन्ड को इस पे शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे नेगेटिव इस कार्बन पे क्या से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड अब क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है H ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है यहां पे क्या आ गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH यहां पे आ गया राइट। यहां पे क्या चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब तुम्हारा ये ग्रुप तो यहां पे जुड़ गया बट ओवरऑल अगर हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तो बेंजीन रिंग लॉस्ट इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लॉस्ट कर दिया तब यहां पे रोल आता है इसका AlCl4 का AlCl अब ये जो माइनस ये क्या करेगा यहां से क्लोरीन को रिलीज करेगा एज अ Cl माइनस और बाकी क्या बचेगा AlCl भी अलग हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल AlCl को डिसोसिएट हो एक क्लोरीन जो उसने लिया था स्टेट में वो वापस कर देगा। अब ये जो क्लोरीन माइनस ये क्या करेगा यहां से H+ आयन को ले लेगा ये बॉन्ड को यहां को वापस क्या करेगा शिफ्ट कर देगा। तो देखो क्या हो रहा है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया मतलब बेंजीन को उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर का भी वापस मिल गया है ना। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पे क्या बचा सिर्फ क्या बचा हमारे पास C डबल बॉन्ड को H बचा। ठीक है ये Cl ने H को लेके क्या बनाया यहां से HCl बनाया क्या बनाया यहां पे HCl और यहां पे क्या निकला AlCl3 जो हमने यूज किया था एज इट इज क्या हो गया वहां से बाहर निकल गया यू जस्ट सी राइट। तो दिस इज ऑल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं HCl। अब देखो यहां पे अनहाइड्रस AlCl3 क्या एक्ट होता है What is the role of anhydrous AlCl3? तो AlCl3 act as a catalyst क्योंकि वो reaction की speed को बढ़ा रहा है। It is also used to generate electrolyte। तो वो दोनों dual role क्या कर रहा है वहाँ पे play कर रहा है। एक बार फिर से reaction को देख लो। Betterman Kolch formulation क्या होता है? When Bayesian reaction carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3 or CuCl at high pressure, it can form benzaldehyde. Right here, hydrogen atom is replaced by CHO group formal that satisfied as Betterman Kolch formulation reaction. Now this is the example of ESR. ESR का full form अगर नहीं पता तो इसका full form क्या है? Electrophilic substitution reaction. इस reaction को क्या बोलते हैं? Electrophilic substitution reaction. क्यों बोले? Because ये electrophile ने क्या किया? Hydrogen को replace किया। जब hydrogen इस state में कहीं ना कहीं बाहर निकल गया अंदर सब इस reaction is called as electrophilic substitution reaction. अगर इसके mechanism की तरफ move करें तो carbon monoxide when reacted with HCl it can form additional product and which of the rearrangement can be this product when it reacts with AlCl3 can take Cl minus and converting to AlCl to act as a base and it can generate electrophile. Electrophile eventually attack karega. It lost its aromatic character to regain its aromatic character. Chlorine can take proton from here and this one will shift it over here and it can form finally benzaldehyde. Yeah, form jaise benzaldehyde and this reaction is called as Betterman-Koch formulation reaction. So dear student, हमने यहाँ पे reaction भी, their mechanism देखा है. You just note down this reaction. एक तो note down कर लो या फिर इसका क्या करो screenshot लेके तुम्हारे पास रख सकते हो. So this is the complete mechanism of Betterman-Koch formulation. I hope you can understand the complete reaction. Right? Next reaction की तरफ हम लोग move करते हैं. Next one is preparation of aromatic ketone. Aromatic ketone हम लोग कैसे prepare करेंगे हम लोग देखते हैं. So next we can move on the preparation of aromatic ketone that is Wiedenbrock acylation of aniline. Now here in this method we can prepare aromatic aldehyde. ये reaction हमने previously भी देखा होगा तो फिर एक बार उसको हम recall करेंगे, right? This reaction में क्या होता है? When benzene reacts with the acyl halide, हमने देखा है reaction, ठीक है?
असाइन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे जिससी डबल बॉन्ड को CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl। ये रिएक्शन हमने बार-बार देखा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, ये बेंजीन चेन क्या करेगा, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Cl- CH3। इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं रिएक्शन को ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। यहां से क्या करना है, बस तुमको HCl को रिप्लेस करना है। HCl को रिप्लेस करने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, बेंजीन हैविंग हियर C डबल बॉन्ड को, अब यहां पे क्या आ जाएगा CH3, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोल, क्योंकि ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा। अब मुझे अगर बेंजोफिनोल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, प्रीवियस वीडियो देखो, ये रिएक्शन जैसे कि वैसे दिया हुआ है। यहां पे आपको बेंजीन लिया, बेंजीन को जब हम लोग क्या करेंगे, और एक बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे, इसमें क्या यूज होगा, अनहाइड्रस AlCl3 यहां पे यूज होगा। इस रिएक्शन में भी क्या जाएगा, यहां से HCl यहां से बाहर चले जाएगा, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, रिंग एयर C डबल बॉन्ड को, और यहां पे क्या आएगा, दूसरा रिंग आ जाएगा, यहां से बाहर क्या जाएगा, प्लस HCl, और यहां पे भी क्या जाएगा, HCl। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजोफिनोल। This compound is called as benzophenone। तो acetophenone और benzophenone दोनों लोग बना सकते हैं। What the role of anhydrous AlCl3 क्या करेगा? It is used to generate electrophile। कैसे electrophile generate करेगा? देखो simple सा, अभी मैं करते हैं तो explain करना है, यहाँ पे CH3 है। अगर मैं इसको AlCl3 के साथ react करूँगा, इसके पहले reaction जैसे देखा था, aluminium के पास कितने electron है? 6 electron, electron deficient है। ये chlorine electron pair को लेके चले जाएगा, and it can produce C double bond को CH3 as a electrophile। यहाँ पे क्या produce होगा, C double bond को benzene। Right? And that's why the role of anhydrous AlCl3 is used to generate electrophile। Simple reaction, इसके पहले भी हमने videos में इन सब reaction देख लिया है, तो एक बार फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लो, राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट और वीडियो को पॉज करके लिख के भी रख सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन सब में हमने बहुत सारे रिएक्शन देखा है, रिटार्ड रिएक्शन देखा ऑक्सीडेशन में, फिर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ वाला रिएक्शन देखा, तो अलग अलग रिएक्शन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही चीज इसलिए क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो, राइट। एक लास्ट मेथड है जिसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो फिनिश हो जाएगा। तो एक लास्ट रिएक्शन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं। So, this is the last reaction, last method of preparation of aldehyde and ketones, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो preparation of aldehyde from ester। अब इस reaction में हम लोग किससे reaction करने वाले हैं? Ester से हम लोग क्या करने वाले हैं? Aldehyde prepare करने वाले हैं। आपको पता है ester का general structure क्या होता है? R C double bond O R। This is the general structure of ester। तो यहाँ पे हमें reducing agent क्या use करना है? Dipol H। ये हमने already previous video में बताया है। Dipol H क्या होता है? Diisobutyl aluminium hydride, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, AlH 1, 2, 3, 4, this is the structure of dipol H, right? So it is a source of hydride। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम लोग ईस्टर को डायबॉल एच के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन आर कैरिड आउट एट लो टेंपरेचर, दैट इज 195 केल्विन। टेंपरेचर कितना रखते हैं, 195 केल्विन टेंपरेचर रखते हैं। नाउ दिस हाइड्राइड हैज फर्स्ट अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर हियर, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, आर सी ओ माइनस, यहां पे क्या मिल जाएगा, एच, यहां पे क्या है, ओ आर आ गया। नाउ अब यहां पे क्या होगा, वी नो दैट अल्कोक्सी आर द गुड लिविंग ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, ओ आर ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ओ आर ग्रुप वहां से बाहर निकल गया तो क्या मिला अपने को, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच मिल गया अपने को एल्डिहाइड, प्लस यहां से क्या मिला, अल्कोक्साइड ग्रुप मिला, ये अल्कोक्साइड ग्रुप एच प्लस के साथ रिएक्ट करके यहां से क्या निकल देगा, आर ओ एच ग्रुप। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईस्टर को रिडक्शन करके क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। नाउ बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर एलिफेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों टाइप का एल्डिहाइड हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, CH3CH2
C double bond OCH3, right? अब इसको अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करता हूँ, डायबॉल H 195 केल्विन फॉलोड बाय H plus ion के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? CH3, CH2, C double bond OH plus CH3OH. Just try the mechanism. क्या करना है तुमको? R के जगह क्या लगाना है? CH3, CH2 लगा दो, ये R के जगह CH2 लगा दो. बस वही करते जाओ. C2H5. हम लोग इस वैसे भी लिख सकते CH3, CH2 को. यहाँ पे क्या आएगा? CH3. यहाँ क्या जाएगा then? C2H5. यहाँ पे क्या जाएगा? Same. हम लोग इससे क्या बना सकते हैं? Aromatic radii भी बना सकते. कैसे बनाएंगे? Take another example. Suppose हमने यहाँ पे क्या दिया गया, इस तरीके का compound लिया, C double bond O, O C2H5 लिया. Now इसको मैंने reacted इसके साथ dipole H 195 Kelvin followed by H plus ion. यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे? Ring को रखना है C double bond O H plus C2H5OH. Mechanism में क्या करेंगे हम लोग? C2H5 के जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? रिंग लगा देंगे इस तरीके से. यहाँ पे क्या जाएगा? रिंग आ जाएगा इस तरीके से. यहाँ पे क्या जाएगा? C2H5 आ जाएगा. यहाँ पे क्या जाएगा? C2H5 आ जाएगा. यहाँ पे क्या जाएगा? C2H5. यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा. इस प्रकार से हम लोग बेंजाइडाइड बना सकते हैं. तो बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग एलिफेटिक अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी बना सकते हैं. तो दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द रिएक्शन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मी. अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे आके मुझे कमेंट भेज सकते हो. मैं श्योरली उसका तुमको आंसर दूंगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग लेके आएंगे method of preparation of ketone, sorry, method of preparation of acid. How will you prepare acid by different reaction? वो हम लोग next video में उसको क्या करेंगे, study करेंगे, right? So अगर तुमको मेरे video पसंद आते हैं तो please please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry. Please भूलो मत, channel को subscribe करो, bell icon को press करो, तो मेरे सारे notification तुमको मिलते रहेंगे. Thank you and have a nice day. इसका screenshot लेके रखो या फिर इसको video को pause करके note करो. Thank you and have a nice day.